சாய்த்தே மீண்டும் நின்றார். हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 5 वेब सीरीज जो सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम से भरी हुई है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट की जो पहली मूवी है वो है मंदार। सब गलती भूख की है, भूखा इंसान होए यह एक बंगाली सीरीज है, बट ये हिंदी में भी ऑफिशियली आ चुकी है। यह एक साल 2021 की आई हुई क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज है। मूवी के लीड कास्ट में देवाशीष मंडल, सोहिनी सरकार और दिव्येश रॉय जैसे और भी एक्टर्स। मूवी की अगर IMDb रेटिंग की बात किया है तो मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की अगर हिस्ट्री की बात किया है दोस्तों, तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक औरत एक बच्चे पाने के लिए सारे हद पार कर देती है और इसका अंजाम क्या होता है, ये इस सीरीज में देखेंगे। सो जाइए और देखिए दोस्तों, सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमारी इसकी दूसरे नंबर की मूवी है दोस्तों, वो आए सुजय। हम सब किसी न किसी गिल्ड के साथ बच्ची को जी जान भी चूस ली है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर पर बेस्ड 2022 की आई हुई सीरीज है। सीरीज के लिस्ट कास्ट में है नागराजन, कन्नन, ऐश्वर्या राजेश और सूर्या रेड्डी जैसे और एक्टर्स। मूवी की अगर IMDb रेटिंग की बात किया है तो मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं मूवी को गूगल यूजर्स ने 98% लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी का हिस्ट्री लाइन की बात किया है तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि लीला की बेटी और सब इंस्पेक्टर का बेटा दोनों लापता हो जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों की डेड बॉडी तालाब से मिलती है। तो जाइए और देखिए दोस्तों, उन दोनों को आखिर क्यों मार दिया गया और आखिर में हिस्ट्री क्या है। सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमारी उसकी तीसरे नंबर की मूवी है दोस्तों, वह है द स्टोनमैन मर्डर। यह एक बंगाली सीरीज है दोस्तों, बट यह भी हिंदी में ऑफिशियली है। यह एक साल 2019 की आई हुई थ्रिलर मर्डर मास्टरी वाली सीरीज है। सीरीज के लीड कास्ट में स्वास्तिका मुखर्जी और राज तबिया दत्ता। मूवी के अगर IMDb रेटिंग की बात किया है तो मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं इस मूवी को गूगल यूजर्स ने 86% लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की अगर हिस्ट्री लाइन की बात किया है तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि 1985 और 1989 के बीच मुंबई और कलकत्ता में कई लोगों की हत्या की जाती है और हत्यारा मारने के लिए पत्थर का प्रयोग करता है। दोस्तों, सीरीज ट्रू इवेंट पे बेस्ड है जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देंगे। सो जाइए और देखिए, सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो हमारे चौथे नंबर की मूवी है दोस्तों, वो अनलॉक्ड। उस आदमी की डिटेल्स पता करो और स्टडी करो। यह एक क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज है जो साल 2020 में आई थी। सीरीज के लीड कास्ट में है सत्यादेव, बिंदु पगड़मारी और संयुक्ता हरनॉट जैसे और भी। सीरीज के अगर IMDb रेटिंग की बात किया तो सीरीज को IMDb रेटिंग की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं इस सीरीज को गूगल यूजर्स ने 71% लाइक किया है। दोस्तों, अगर इस सीरीज की हिस्ट्री लाइन की बात किया है तो हिस्ट्री लाइन बहुत ही जबरदस्त है जो आपको हर एक एपिसोड में चौंका देगी। सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमारी लिस्ट की पांचवें नंबर की सीरीज है दोस्तों, वो है ऑटो शंकर। इसे कामल वेट्टी चाहते मीडियम नंबर। यह एक साल 2019 की आई हुई क्राइम थ्रिलर वाली सीरीज है। सीरीज के लीड कास्ट में अपनी शरद, शुभम श्रद्धा और शर्मिया रवि जैसे और भी एक्टर। सीरीज के अगर IMDb रेटिंग की बात किया तो सीरीज को IMDb रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर इस सीरीज की हिस्ट्री लाइन की बात किया है दोस्तों, तो मैं इस सीरीज के बारे में क्या ही बदलूँ। मतलब इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री दिखाई गई है दोस्तों, मतलब इस मूवी को अवार्ड भी मिला है। सो आप खुद जाइए और खुद देखिए, सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।